शालिग्राम को पाने की चाह हमारी आज से नहीं 50 साल पुरानी। मैंने 1 महीने में ही पृथ्वी और सावित्री का दिल जीत लिया था। उसी दौरान राज का जन्म भी हो गया था और फिर मैंने अपना दांव खेला। पृथ्वी को कुछ ऐसा दिखा दिया कि जो सावित्री अकेली कभी हवेली से बाहर पैर नहीं रखती थी, वो मेरे साथ कार में बाहर थी, रो रही थी। और उस दिन मुझे मौका मिल गया मेरे काम को अंजाम देने का। उमा, उमा, पृथ्वी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे? आप मत रोइए दीदी, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। आप देखना सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए आप। उमा, मुझे लगता है गाड़ी खाई में गिर सकती है। पहले तो उतरो। उमा, दरवाजा तुम बंद कर दिया। खोल, मुझे बाहर आ गए। उमा प्लीज दरवाजा खोल ना, मुझे बाहर आ गए। तुम क्या कर रही है? क्यों कर रही हो तुम ये सब? भैया फेंक दो इसे खाई में। ये कौन है? सुना नहीं तूने मैंने क्या कहा? भैया, कालासुर भैया, और मैं उनकी प्यारी बहन। अब मुझे एक बहुत बड़ा काम करना है जिसके लिए तुझे मरना होगा। तो कहानी का मध्यांतर था, अब आगे की कहानी सुन। राज की मां को मारने के बाद मैंने राज की जान बचाने का नाटक किया। 4 आंसू बहाए, 4 लोगों के दिल जीते, फिर मैं उसकी आया बन गई। फिर एक रात पृथ्वी को मेरे प्यार के जाल में फंसा के मैंने उससे शादी कर ली और बन गई उसकी पत्नी और राज की मां। माँ से याद आया, तेरी माँ सुहासिनी, उसे भी मैंने ही यहां बुलाया था। उसे शालिग्राम हासिल करने के लिए, पर वो दुर्गा का अवतार लेके मेरे भाई के 3 टुकड़े कर दिए। पच्चीस साल तेरी माँ की वजह से मेरे 25 साल बर्बाद हुए। 25 साल तेरे पति और उसके खानदान के साथ मुझे रहना पड़ा। एक अच्छी माँ और एक अच्छी पत्नी बनने का नाटक करना पड़ा। You know how boring is that? जब भी मैं शालिग्राम पाने के करीब होती हूँ, तब तू और तेरा पूरा खानदान मेरा प्लान चौपट करने आ जाते, सब कुछ बर्बाद करने आ जाते हैं, जैसे कि आज। मैं बर्बाद हो गई, मैं तो लुट गई। तुझे मेरा सच पता चल गया, तेरे सामने मेरी पूरी सच्चाई आ गई। अब मेरा क्या होगा? वही होगा जो मैं चाहूंगी। समझ में आई? क्योंकि मुझे पता है मेरी सच्चाई जानने के बाद भी तू किसी को कुछ नहीं बताएगी। वो शालिग्राम तू मुझे लाकर देगी। मुझे शालिग्राम लाके दे, वरना क्या? अब राज को मार देगी? तू कितनी समझदार है। वाह,
मजा आ गया। कहाँ फोटोग्राफ लगा, दिखाओ मुझे। पापा जी मुझे वो फोटो नहीं मिली, पता नहीं मैंने अपने कमरे में ही रखी थी। वो फोटो कहाँ गायब होगी, मैंने पूरे घर में ढूंढा पर मुझे नहीं मिली। घर से कहाँ जाएगी, घर पे ही होगी। हम जब यहाँ से चलेंगे तब ढूंढ लेते हैं। राज, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? बिना वजह के झगड़ने लगते हो, छोटी छोटी बात का इश्यू बनाते हो, कभी भी कुछ भी बोल देते हो। तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो राज, क्या हुआ है तुम्हें? राज मैं यहीं खड़ी हूँ, मेरी तरफ देखो, क्या हुआ है तुम्हें? जवाब चाहिए तुम्हें? चाची के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, वो यहाँ हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है और तुम घर चली गई। क्यों, ऐसा क्या जरूरी काम आ गया था? बोलो, जवाब तो मुझे तुमसे मांगना चाहिए ना गौरी। तो बोलो क्यों गई थी घर? राज वो मैं क्या? क्या वो जवाब नहीं या देना नहीं चाहती, या कोई और बात है जो छुपा रही हो, बताना नहीं चाहती? ये प्रॉब्लम है। पति और पत्नी ना हर चीज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं गौरी। दोनों के बीच में ऐसी कोई बात नहीं होती जो दूसरे को नहीं पता होती, लेकिन यहाँ बहुत कुछ होता है जो मुझे नहीं पता होता, सिर्फ तुम्हें पता होता है। तो तुम अगर कुछ शेयर नहीं करना चाहती तो जाने दो ना, खत्म कर दो। ढूंढ नहीं करना मुझे रिश्ते का गौरी, मेरे पास कई सारे सवाल हैं और तुम्हारे पास जवाब है नहीं। तो इट्स बेटर कि हम दोनों बात ही नहीं करें, ओके? राज, राज, आई विश मैं तुम्हें सब बता पाती राज, बट आई एम सॉरी। तुम पहले से ही इतनी तकलीफों में उलझे हुए हो, तुम्हें और नहीं उलझाना चाहती। गौरी, I'm sorry. I know, बिना किसी बात के बातों बातों में उलझा रहा हूं मैं तुम्हें, बहुत तकलीफ दे रहा हूं, इतना दर्द दे रहा हूं, और मेरे साथ रहने का दर्द बर्दाश्त नहीं होगा तुमसे। तो इट्स बेटर कि ये छोटे छोटे दर्द बर्दाश्त कर लो और धीरे धीरे मुझसे बहुत दूर चली जाओ तुम। क्या हुआ, आपने मुझे पहचाना नहीं दीदी? कौन है तू, सच बता कौन है तू? दीदी मैं कालासुर की वो मददगार हूँ जिसे कालासुर ने खुद आपकी रक्षा के लिए चुना है। आप कालासुर की बहन है ना, तो आप मेरी भी बहन जैसी हुई। सॉरी दीदी, अब वही होगा, मैं वही करूंगी जो आप कहेंगी। मैं कालासुर की पुरानी साथी हूँ, मेरी काली शक्तियाँ आपको किसी के सामने झुकने नहीं देगी। तो फिर तूने गौरी बनके डराया क्यों मुझे? वो क्या है ना, रूप बदलना और जिस काम के लिए मैं यहाँ आई हूँ ना, हंसते हंसते उसके जड़ तक पहुँचना, ये मेरी पुरानी आदत है। पर आप चिंता मत कीजिए, मैंने यहाँ सारा कुछ संभाल लिया। और हाँ, वो सावित्री है ना जिसे आप चारों तरफ ढूंढ रही है, वो भी मेरे ही पास। क्या, हमारे पास? कहाँ है वो? पापा जी, थैंक यू मैडम। पापा जी, मम्मी जी दिखाई नहीं दे रही है। बेटा मेरे समझ में नहीं आ रहा कहाँ चली गई, मंदिर गई थी पूजा करने के लिए, अब तक उसको आ जाना चाहिए था। मैं फोन भी मिला रहा हूँ, नहीं मिला। मंदिर में माँ को इतना वक्त कैसे लग गया? माँ अगर मंदिर ही गई होती तो अब तक वापस आ जाती। लगता है माँ मंदिर के बाद कहीं और चली गई है। पर मीनाक्षी चाची को हॉस्पिटल में इस हालत में छोड़ के माँ और कहाँ जा सकती है?